राजस्थान में मुगल शासक अकबर को लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, और मदन दिलावर ने अकबर को महान नहीं बताया बल्कि बलात्कारी बता दिया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और मंत्री मदन दिलावर पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट आपके सामने। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुगल बादशाह अकबर को लेकर ऐसे तीखे बयान दिए हैं कि जिसे लेकर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। शिक्षा पाठ्यक्रम में अकबर महान है विषय पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत है क्योंकि अकबर महान नहीं बल्कि अत्याचारी और रेपिस्ट था। ने और मैंने पढ़ा है कि अकबर महान था। मैंने कई जगह ये भी पढ़ा है कि अकबर महान था परंतु मीना बाजार लगा करके और सुंदर लड़कियां महिला को उठा कर ले जाता था और जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार करता था। पहली बात तो यह कि अकबर आक्रांता था, हमारे देशवासियों से उसका कोई नाता नहीं, और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला वो कैसे महान हो सकता है, वो तो एक बलात्कारी था। मुगल बादशाह अकबर पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने पलटवार कर पूछा है कि शिक्षा मंत्री और बीजेपी अकबर की बजाय रोजगार और महंगाई पर बयान क्यों नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ये बताए रोजगार कब मिलेगा, कब बताए महंगाई कब कम होगी, कब बताए बच्चे नशेड़ी क्यों हो रहे हैं, ये सवाल है। महंगाई क्यों बढ़ रही है ये क्यों नहीं बताता राजस्थान का शिक्षा मंत्री। मदन दिलावर के बयान के बाद सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। वहीं मंत्री दिलावर के मुताबिक वो राजस्थान में शिक्षा कमेटी गठित कर रहे हैं जो पाठ्यक्रमों में जरूरी बदलाव कर सके। मोदी